बात का आकाश कि मूल्य हम सुनते हैं लेकिन याद नहीं रहता, तो उसका कोई उपाय है? याद नहीं मिलती है मार्केट में मूल्य, सवेरे सुनी सारा दिन याद रहना चाहिए, तो कर्मों में यूज करेंगे ना, अगर याद ही नहीं है तो यूज कैसे करेंगे? तो उसका कोई उपाय चाहिए, तो उसका उपाय है तो मुरली सुनने के तरीके हैं। ऐसे आपको नहीं हमें भी मुरली सुनो पढ़ो, याद हमको भी नहीं रहता है। तो सुनने के बाद पढ़ने के बाद उसको धारण करने की विधि है। एक विधि है, सबसे पहले आज अगर आपने मुरली के एक पॉइंट सुना 50 जन्मों तक आपको याद रहेगा, ऐसी शिव बाबा ने बुद्धि दी है। लेकिन उसके अंदर रिकॉर्ड करने की विधि चाहिए, अपने आप रिकॉर्ड नहीं होगा, विधि चाहिए। वो विधि है जब भी आप मुरली सुनने बैठते हो आराम से सुनो, सुनते सुनते देखना आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा। आपके इच्छा के अनुसार एक मुरली के महावाक्य नोट करो जो आपको अच्छा लगा, यही होना चाहिए, वही होना चाहिए। सारे मुरली के अंदर एक शब्द ले लो, आज बाबा ने कहा गुस्सा नहीं करना है, दुख नहीं देना है, एक जन्म के लिए धनवान बनेगी, एक का पदम बना। तो कोई कहेगा ये करोड़पति है और एक गरीब है, किसने बनाया? भगवान ने किसको इसको करोड़पति और इसको करोड़पति बनाया? हम नहीं, भगवान ने जो धन दिया था वो हमने छुपा के रखा, डायरी में भर के दान नहीं किया। जितना दान करते हो उतनी उसकी वृद्धि होती है, तब कहते हैं दान करो तो धन कभी खुटेगा नहीं। दान करना सीखो, कम से कम याद का दान करो, दान करने के लिए याद नहीं रहता है, तो याद रखने की विधि बताया, समझे? तीन तरीके बताया, एक एक शब्द याद लिखो, लिखने के बाद अपने आप को कितना स्व परिवर्तन पहला, फिर दूसरों का, तो स्वयं को पहले ज्ञानी तो आत्मा, तो अपने आप को तीन दफा पढ़ा सवेरे दिन में शाम। इसमें कोई तकलीफ है तो बताना, और भी सरल तरीके हैं, अगर आप कहेंगे तो दूसरा बताओ, ठीक है? सबसे सरल तरीका बताओ। और फिर तीसरा, अपने आप को सुनाने के बाद दूसरों को भी जरूर दान करो सवेरे से रात तक। अगर आप भाई कहता है कि भाई जी मुझे सारा दिन में कोई भी मिलता है, मैं किसको दान करूं? हाँ, उसकी भी विधि है, बहुत सारी विधियां है। अगर आपको कोई मिला ही नहीं, आप हो के आज की दुनिया में सभी के पास मोबाइल है, फोन है, आप जानबूझ के शाम को उस भाई को फोन करो, भाई जी कैसे हो? आज मैं सेंटर में गया था, देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है ना। अगर ऐसे फोन करने के लिए आपको एक महीने में 100 रुपया खर्चा होगा, फोन सहज नहीं है, 100 रुपया खर्चा होगा, लेकिन ये 100 रुपया 100 जन्मों तक आपको धनवान। अगर वही 100 रुपया आपने कपड़े में, मोबाइल में और किसी में लगाया, खत्म। ये जो आपने औरों को ज्ञान दान देने के लिए 100 रुपया एक महीने में खर्चा किया, 100 जन्मों तक आपको उसका फल मिलेगा, क्यों? ये ज्ञान अविनाशी है। ये किसने दिया? अविनाशी बाप ने दिया। किसको सुना रहे आप? आत्मा को। आत्मा अविनाशी है, उसका फल भी अविनाशी है। कभी कहेंगे आपको कोई मिला नहीं, माताएं कहेंगे घर में हम अकेले हैं, किसको सुनाएं? कोई माताएं हमको फोन भी चलाना नहीं आता, और जाने उसका भी विधि है। अगर बाजू में कोई माता है, 2 कदम बाहर आओ कोई मिलेगी, उनको बोलो माता जी ओम शांति, कैसे? कोई अज्ञानी भी हो, ज्ञान भी नहीं जानते, तो भी बोलना पड़ता है। तो ये करोड़पति कैसे बन गया? अपने आप नहीं बना है, तो संगम पर ऐसी पुरुषार्थ, ऐसी मेहनत किया है। खेती में 3 महीने पहले इतने खेती में बीज बोया था, 3 महीने के बाद खेती भर गई है ना, कितने 10 एक का 10 गुना 100 गुना बोरी भर के अनाज मिलता है। अपने आप नहीं, पहले